तो भाई मैं बोल रहा था, ऐसे गर्मियों के दिनों में आप धूप में निकलते हो, कहीं जा रहे हो, तो अपने पास एक पानी की बोतल कैरी कर लें और अपना ध्यान रखें और ज़्यादा धूप में ना घूमें, क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ अभी जस्ट खड़ा हूँ वर्धमान नगर में, जो अजंता लैब के बाजू में हूँ अभी मैं खड़ा। यहाँ पे कुछ काम से आया था, बट मुझे कुछ एक ऐसी गाड़ी मिली जो अर्बन क्रूजर का, जो अर्बन क्रूजर जो कार है, जो टोयोटा की, उसका नेक्स्ट जनरेशन मिला। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे दिखती है। कुछ इस तरह से दिखती है ये गाड़ी, और दिखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त है और मस्कुलर है, और दिखने में देखो तो यार एकदम मज़ा ही आ गया गाड़ी देखकर। उसके बाजू में देखिए क्रेटा भी खड़ी है, स्विफ्ट भी खड़ी है, मर्सिडीज़ ई क्लास भी खड़ी है 220D। उनमें से गाड़ी मुझे वही बहुत पसंद आई, इनकी लाइट देखिए नीचे में, जो फॉग लाइट है, LED DRL वगैरह सब दिया है, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके देखो एलॉय व्हील, तो यार मज़ा ही आ गया एलॉय व्हील देख के। और देखिए यहाँ से जाती है मेट्रो, जो नागपुर की मेट्रो है, यहाँ से चलती है। जो ये रूट है प्रजापति नगर, जो लास्ट स्टॉप पड़ता है HV टाउन का, सीधा रूट जाता है रेलवे स्टेशन, जो नागपुर का सबसे मेन स्टेशन है, वहाँ जाता है। कितना टाइम है भाई? तो ये है अजंता स्टूडियो, जहाँ पे हम आए हैं। देखिए ट्रेन जा रही है, मेट्रो जा रही है ऊपर से। चलते हैं अभी इस छाव की तरफ, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी छाव है। ये है वो मर्सिडीज़ की जो कार खड़ी है यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, अपने सेगमेंट में लग्जरी प्रीमियम कार है। और भाई धूप तो काफ़ी बढ़ गई है, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़बरदस्त है, एकदम ऐसा लग रहा है कि माउंटेन वाला डिज़ाइन दे दी उसे, पहाड़ वाला, बस उसे वाइट वाला, अच्छा वाइट वाला डिज़ाइन नहीं दी रहे, तो लगता है कि बर्फ की सिल्ली लगी हुई है उस पर, बर्फ से ढकी हुई है बिल्डिंग। धूप काफ़ी बढ़ गई है, गला जल्दी सूख जाता है। तो देखिए मेट्रो जा रही है, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ऊपर से मेट्रो जाएगी, देखिए दिख रही है आपको, ये गई भाई साहब मेट्रो, जो नागपुर की मेट्रो है ना, बहुत बढ़िया मेट्रो है, एकदम मस्त AC लगी हुई है, और दिखने में भी हमारे नागपुर की जो मेट्रो है बहुत प्यारी दिखती है। भाई साहब हम यहाँ हैं खड़े अभी, और देखिए इधर गाड़ी गाड़ी है। ये नज़ारा है कुछ नागपुर का, जो सिटी एरिया यहाँ से चालू होता है नागपुर का, ये वर्धमान नगर से थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये रोड है मेन, जो सेंटर एवेन्यू वाला रोड है। अब ये रोड पे कभी भी आते हो और आपको ये रोड का एड्रेस का, ये रोड पे कोई भी एड्रेस आपको पूछना हो तो इजी तरीके से मिल जाएगा आपको एड्रेस, क्योंकि एकदम इजी रोड है, सीधा सीधा रोड है, कहीं जाना ही नहीं है, रोड से भटकना ही नहीं है, एकदम इजी रोड है। तो भाई मैं बोल रहा था, ऐसे गर्मियों के दिनों में आप धूप में निकलते हो, कहीं जा रहे हो, तो अपने पास एक पानी की बोतल कैरी कर लें और अपना ध्यान रखें और ज़्यादा धूप में ना घूमें, क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज हो चुकी है। तो भाई इतना इतनी धूप है भाई, देखो भाई एक गाड़ी मिल गई मुझे, जो इसे मैं पसंद करता हूँ, SU700O महिंद्रा, वो निकल गई आगे भाई, वो निकल गई आगे। बहुत सारी बातें हैं यार, जो सबसे हमने अपनी फैमिली से करनी है, यूट्यूब फैमिली से करनी है, बट अभी भी करता हूँ तो अभी कैसा समय ही नहीं मिलता मुझे ब्लॉग बनाने के लिए, बट मैं समय निकाल ही लूँगा जैसे तैसे, इधर नहीं तो उधर से समय निकालना पड़ेगा मुझे, और आपके लिए एक वीडियो तो लेके आना पड़ेगा मुझे। मेरी वीडियो डेली नहीं आएगी, मेरी वीडियो डेली नहीं आएगी, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आएगी बस, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। जब मुझे मैं फ्री जिस दिन हो जाऊँगा उस दिन मैं आपको डेली वीडियो ला कर दूंगा। और अभी एक्चुअली क्या है, मैं किसी डिजिटल सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ, तो उस वजह से भी मुझे समय नहीं मिलता, और वो डिजिटल सिस्टम क्या है मैं एक दिन किसी और दिन बताऊँगा।
उस डिजिटल सिस्टम में काम करने के बाद भी मुझे अच्छी खासी वहाँ से अर्निंग होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय।